और छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में डोंडी लोहरा विधानसभा के निर्वाचित कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने विधानसभा में जीत के बाद जनता का आभार जताया। तो भाजपा प्रत्याशी से कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर फिर विधायक बनने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस भवन डोंडी लोहरा में ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं अन्य लोग शामिल रहे, जहाँ पूर्व मंत्री एवं तीसरी बार की विधायक अनिला भेड़िया का कार्यकर्ताओं ने गजमाला से स्वागत किया। वहीं क्षेत्र के मतदाताओं का जीत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने के लिए अभिवादन आभार जताया। तो विधायक ने कहा कि विकास योजनाओं को पूरा किया जाएगा, हर कार्य जनता के अनुरूप कराए जाएंगे। आज जो डोंडी लोहारा विधानसभा में हम लोग जो आज जीत हासिल की है, वो मैं हमारे एक कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देना चाहूँगी मैं, और मेरे बड़ों की आशीर्वाद है। और इस विधानसभा में हम लोग कहते ना, इतने लहर थी उसके बाद हम लोग जीत के आए हैं, तो सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं की स्नेह था, यहाँ के वरिष्ठों का आशीर्वाद था और मेरे पुरखों का भी। इस क्षेत्र के सक्रिय विधायक अनिला भेड़िया जी के मार्गदर्शन में उन्होंने सिर्फ हम लोगों को एक ही फार्मूला दिया, संगठन के साथ में हमको रह करके काम करना है। और उस संगठन के साथ में रह करके लगातार अनिला दीदी के द्वारा किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के कार्य किए, उसी तरह से भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम को, हर कार्यक्रम को जनता तक पहुँचाने का कार्यक्रम हमारे बूथ सेक्टर और जोन के माध्यम से हम लोगों ने इतना प्रयास किए कि विपक्ष